व्हाट्सअप एवरी वन एंड बहुत सारे लोगों से जैसे मेरी बात हुई थी, लोग पूछते हैं कि कैरियर कैसे, जैसे कई ने मेरे से पूछा कि 10th हाउस में जुपिटर है तो कैरियर क्या रहेगा, तो मैं आपको बताऊँगी एक चीज़ से नहीं पता लगता। मैंने कल वीडियो बनाई थी एक, ठीक है, सन साइन के ऊपर, आज मैंने वीडियो बनाई है प्रैक्टिकल दिखा के कि डिग्रीज कैसे देखते हैं, पैरेंट की नक्षत्र कैसे देखते हैं, पदा कैसे देखते हैं, ठीक है। अब ये आप खुद चेक करेंगे अपने चार्ट में जो मैंने बताया है और अब जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब कैरियर आपको कैसे देखना है, कैरियर पर्सन का कैसे देख सकते हैं एक कुंडली से, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके, सब आपको अलग अलग बातें बताएंगे। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ओवर द ईयर्स मैंने लर्न किया है ना, 10-12 साल में जो मैंने स्टडी करी है उसके बेस पे मैं ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड सी, सबसे पहले अगर किसी का कैरियर देखना है तो उसका मून देखें आप, मून और राहु, कि मून आपका माइंड है, द वे यू थिंक, ठीक है, और राहु आपका ऑब्सेशन है, ठीक है। यार घर वाले कहते हैं कि ये कैरियर में मत जाओ, लेकिन जहाँ इंटरेस्ट होता है उस कैरियर में अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कहाँ आपका दिमाग सोचता है, जो मून है, राहु आपका ऑब्सेशन क्या है, आपका पैशन क्या है, मेन तो आप वो चीज़ देखें। आप अगर बच्चे हैं या जो भी है, आप खुद भी बच्चे हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो पहले अपना ऑब्सेशन चेक करें राहु, और कौन सा साइन में है, कौन सा लॉर्ड उसे होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप क्या देखें, क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स, जो 4-5 गुच्छों में जैसे प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं, 3 भी हैं तो वो कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड अगर मेन आपके प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं कहीं पे, और वो बैठे हुए हैं अगर लगन चार्ट में, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ और टेंथ में हैं मैक्सिमम प्लैनेट्स, तो आप जॉब में जाएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। मैं हर बार लगाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, मैंने बहुत केसों में देखा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर प्लैनेट्स आपके ज़्यादा क्लस्टर में जो बैठे हैं वो बैठे हैं 2, 5, 7, 10 और 11, तो आपको बिजनेस ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप नोट करें पहली। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि कैरियर 10th हाउस देखते हैं, 10th हाउस होता है कि इस लाइफ में आप किस चीज़ में अपना एफर्ट डालने आए हैं, तो D10 चार्ट भी आप खोल के देख सकते हैं, डिटेल में आपको बता दें, ठीक है। देन आपने क्या चीज़ देखनी है, जो सबसे मेन चीज़ है, एंड ये मैंने बहुत देखी है, एंड लोग कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन एंड में आके वही काम सबसे ज़्यादा सूट करता है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा डिग्री का मैंने बताया था, आपको डिग्री कैसे चेक करनी है, ठीक है, है ना, कैसे देखते हैं, एक ऐप के थ्रू ही आप देख लीजिए। तो आपको ये देखना है कौन सा प्लैनेट, कोई से भी घर में बैठा हो, कौन सा प्लैनेट आपकी हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है सन के अलावा, ठीक है। और किसी किसी केस में ऐसा भी होगा कि सन ही हाईएस्ट डिग्री होल्ड कर रहा है, तो सन उसमें असत, सन जो है उसमें आपका आत्मकार का बन जाएगा, है ना, आत्मकार का और चरात्मकार का दोनों सन हो जाएंगे, ठीक है। और लेट्स से सन से ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री कोई प्लैनेट होल्ड करता है तो वो जो है आत्मकार का वो बन जाएगा, अगर कोई प्लैनेट है सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है तो वो आपका आत्मकार का बन जाएगा, ठीक है, और सन उसका चरात्मकार का बन जाएगा, ठीक है। सन उसको, उस प्लैनेट को उस कैरियर में पुश करने में हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो प्लैनेट देखना है आपको, ठीक है। और वो प्लैनेट के रिगार्डिंग क्या क्या आप उस फील्ड में क्या क्या अगर आप काम कर सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। इसमें आपको एक तो केतु को नहीं देखना, हाईएस्ट डिग्री में केतु और प्लूटो, नेपट्यून, यूरेनस, ये 4 प्लैनेट आपको नहीं देखने, इसके अलग आपको देखना है कि आपका आत्मकार का कौन सा है और चरात्मकार का कौन सा है, ठीक है। देन लेट्स से सन ही है तो सन सिग्निफाई करता है गवर्नमेंट जॉब, है ना, गवर्नमेंट में वर्क, या फिर किसी कंपनी में CEO, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, पॉलिटिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सिनेमा भी रिप्रेजेंट करता है सन, ठीक है। अगर राहु है आपका आत्मकार का, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब, इल्यूजन, मैजिशियन और बॉडी एडिटर होते हैं आपके, और टैटू आर्टिस्ट होते हैं, जैसे लेट्स से वीनस है आपका, है ना, और वीनस क्या है, वीनस आ गया आपका क्लोथ्स, समझ रहे हो, लग्जरी और ज्वेलरी, मीडिया, और तो इस फील्ड में आपको सूट करेगा काम। तो आत्मकार का और चरात्मकार का आप निकालें, उसके बाद पेरेंट देखें, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके जो मेन प्लैनेट हैं उनके वो अच्छे प्लेस्ड हैं, उनकी डिग्री अच्छी है सन की, मार्स की, सैटर्न की, जुपिटर की, एंड ठीक है, दिख रहा है कि आप आत्मकार का, चरात्मकार का को भी आप देख सकते हैं, उसको साइड में भी अगर आप रखें तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपकी जॉब कब लगेगी, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा तो मैंने देखा है, अगर आपके दशा
जो आपकी दशा होती है उसमें जुपिटर में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है ना अंदर, तो वो गवर्नमेंट जॉब देके जाता है या फिर गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा देके जाता है जुपिटर में सैटर्न जब ट्रांजिट करता है, ठीक है। और ये तो हो गया आपकी नॉर्मल दशा से आपके स्टोन्स वगैरह कौन से सूट करेंगे, दशा कैसी है, कैसी रहेगी कैसी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में कब बैठना है, ठीक है। तो जैसे लेट्स से आपके क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में मेन और एंड या फिर 10,000 बैठे हैं, दोनों में से कुछ भी ले लो आप, मतलब कोई सा भी हाउस फर्स्ट हाउस ले लो, ठीक है। क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं, लेट्स से फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं आपके सन, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। देन कब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और वो कब क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए आपको चरा दशा देखनी होती है, ठीक है। चरा दशा अलग होती है, चरा दशा प्लैनेट्स की दशा नहीं होती, चरा दशा होती है आपकी, जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस जो रूल कर रहा है साइन, वो स्कॉर्पियो रूल कर रहा है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो जो साइन रूल कर रहा है, स्कॉर्पियो की जो दशा है वो चरा दशा है, समझ लो। इन साइंस की जो दशा होती है वो चरा दशा होती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एंड जब वहाँ से फर्स्ट और टेंथ जो है उसकी दशा चलती है, मतलब कि फर्स्ट हाउस में बैठा है कुछ, तो फर्स्ट से सिक्स्थ हाउस देखेंगे और फर्स्ट हाउस से टेंथ हाउस देखेंगे। जब उसकी चरा दशा चल रही होगी तो आपको उस एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे उस टाइम पर, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप में ठीक है मैम, आप बोलोगे देख के बताओ ये, और वो इतनी डिटेल में जाना, ठीक है, बहुत भारी काम है कि मैं चार्ट देखूँ। जैसे मैं कुंडली देखता हूँ और स्टोरी पे, मैं नॉर्मल में मांगलिक भी ढंग से नहीं देखता, मैं बस देखता हूँ कि बैठा तो नहीं हुआ है ट्वेल्थ में या फर्स्ट में, फोर्थ में, सेवन्थ में, मतलब जैसे आप नॉर्मल किसी को कुंडली दिखाने जाते हो, है ना, वहाँ एक घंटा बैठ के आते, जो वो चीज़ें वो बताते हैं वो मैं स्टोरी में बता देता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में जाने के लिए, ठीक है। मैं स्टोरी में ये सब बातें, अगर आप पूछोगे कि कैरियर गवर्नमेंट जॉब कब जाना है, पेपर में कब बैठे, चरा दशा कौन सी चल रही है, तो बहुत हार्ड हो जाएगा बताना, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये है कि किसी को अगर बहुत मेजर इशू है तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, दैट्स इट। एंड अगर ऐसा है भी तो मैंने कहा ही हुआ है कि मेरे को DM कर दिया करो या व्हाट्सएप कर दिया करो, अगर बहुत ज़्यादा मेजर इशू है तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। एंड यही थोड़े बहुत तरीके हैं, मेन आप यही कि ठीक है आपका अगर काम वाम नहीं चल रहा है, एंड आपको देखना है कि कौन सा काम हमें सूट करेगा, तो आप आत्मकार का देखें, चरात्मकार का देखें अपना, ठीक है, कौन सा प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है सन से अलग, एंड उससे रिलेटेड आप काम कर लें, आपको सूट कर जाएगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा, अंतर दशा है तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, जैसे मून है आपका, तो मून में दवाइयों का काम चलता है ज़्यादा, आपका रेस्टोरेंट हो गए, दवाइयों का काम हो गया, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम हो गया। अब ये काम आपको कितना फ़ायदा देगा कितना नहीं देगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से पदा में बैठा है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि नक्षत्र और पदा बेसिकली होते क्या है, ठीक है, लॉर्ड कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, पदा कौन सा है, साइन कौन सा है, एंड उसके बाद समझ रहे हो कैसे कैसे बैठा है, ये सब आपको देखना, मुझ का है नीच का है, उस फील्ड में सक्सेस ज़्यादा होगा कम होगा, क्या उसकी क्या लेवल होगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, एंड ठीक है। रेमेडीज़ आप पूछते हैं तो मैं रेमेडीज़ वगैरह इतनी नहीं बताता हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी रेमेडीज़ वगैरह आपको करनी है, छोटी छोटी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, मेन मेडिटेशन ही है, ठीक है। टाइम वेस्ट या कितना भी ख़राब हो तब भी कोई सी भी जॉब लग सकती है, ठीक है। मरकरी है जैसे आत्मकार का आपका, तो जैसे कि टेक्स सपोर्ट हो गया, टेक्स सपोर्ट में आपको बहुत फायदा करेगा मरकरी, है ना, टेक्स सपोर्ट हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, ये सब तो बेसिक मैंने प्लेनेट्स के आपको नेचर बता दी हैं। और